हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में विलेज लाइफ वीआर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और जो पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये पीछे की तरफ मेरा खेत है। एक्चुअली डेली रूटीन के हिसाब से आज मैं घास काटने के लिए भी आया हूँ। सुबह सुबह 8 बजे 9 बजे मैं घास काटता हूँ, और फिर जाने के बाद नहा धो के जो काम रहता है वो करता हूँ मैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपना खेत 10 कट्ठा, जो कि बारिश में डूब गया था, पानी में डूब गया था, लेकिन फिर बच गया, वो पानी निकल गया। तो दिखाता हूँ मैं आपको अपना खेत। खड़ा हूँ अपने खेत के बीच में। जैसा इसमें जमा हुआ है, लगा हुआ है, और कलर भी इसका थोड़ा ग्रीन हो गया, अच्छा हो गया है इसका कंडीशन, क्योंकि आजकल खेती में बहुत खर्चा लगता है, बहुत ही खर्चा लगता है। और मेहनत जो हम लोग करते हैं खेत में वो अलग है। ठीक है, थैंक यू। और ये घास में जो मेरे खेत के बगल में है, एक दूसरे आदमी का है, दूसरे गांव का है खेत ये, इसमें से मैं घास काटूंगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा घास हुआ है, ये घास है, धान नहीं है। धान को इंग्लिश में पैडी बोलते हैं, पैडी। ठीक है सर, गाइस मैं घास काटता हूँ अब। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ, आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फिर से स्वागत है मेरे चैनल विलेज लाइफ बिहार में। तो आपको मेरे गांव का हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। मेरे गांव का हिस्ट्री, ये जो आप लोग बरगद का पेड़ देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराना है, लगभग मेरे जन्म के पहले का है, मुझे याद नहीं है, बहुत पहले से मैं देख रहा हूँ इसको, ये बरगद के पेड़ को, मेरे जन्म से पहले का ये पेड़ है। लगभग 100 साल होता होगा इसको, 150 साल होता होगा। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ है ये। और इसके अलावा एक और दूसरा भी है बरगद का पेड़, ये भी बहुत पुराना है पेड़। रिसेंटली उसका एक ब्रांच इसमें से टूटा था, डाढ़ी टूटा था। ये भी एक तीसरा, तीन नंबर भी, ये बरगद का पेड़ बहुत ही पुराना है, ये भी मेरे गांव के हिस्ट्री में एक शुमार है।
आप लोग देख सकते हैं। और ये जो बांसवाड़ी है, मतलब ये बांस बम्बो बम्बो का जो बगीचा है, ये भी बहुत पुराना है। मैं अपने होश से पहले से इसको देख रहा हूँ, जब मैं होश संभाला था तभी से मैं देख रहा हूँ इसको, और अभी तक है। ये तो बहुत दूरी में था, लेकिन अभी सब लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया, इधर आना शुरू कर दिया मार्केट के तरफ, बाजार के तरफ। तो ये बहुत छोटा हो गया, ये जो बॉम्बो का बगीचा है, लेकिन पहले तो और ज़्यादा फैला हुआ था। ये भी देखिए आप, जो मैं दिखा रहा था रिसेंटली, इसका एक ब्रांच यहाँ से टूट गया था, अपने से खुद से ही टूट गया था, किसी ने तोड़ा नहीं, हवा के वजह से। एक आदमी इसके नीचे भी था, वो जस्ट निकला हुआ, उधर से निकला ही था उसके नीचे से, तब तक टूट गया था। और आइए, एक दिन मैं जिक्र कर रहा था अपने गांव का कब्रिस्तान दिखाने के लिए, तो वो कब्रिस्तान के पास मैं आज आया हूँ, तो वो भी दिखा दे। आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये पूरा एरिया कब्रिस्तान का है, मतलब कब्रिस्तान है ये पूरा एरिया, देख सकते हैं कब्रिस्तान का व्यू अंदर से। और अंदर से दिखा देता हूँ आपको चाहिए तो। ये पूरा चारों तरफ से कंपाउंड वॉल किया हुआ है, बाउंड्री वॉल किया हुआ है कब्रिस्तान। ये भी सामने जो बरगद का पेड़ दिख रहा है, ये भी बहुत पुराना है, ये भी मैं अपने होश के पहले से देख रहा हूँ इसको। ये हमारे गांव के हिस्ट्री में से, यादगार में से एक है। तो गाइज आप देख सकते हैं, ये पहले हमारे गांव का ग्राउंड हुआ करता था, जिसमें क्रिकेट खेला करते थे हम लोग, फुटबॉल खेला करते थे, उसके अलावा टूर्नामेंट्स भी होते थे। तो कोई अगर प्लेयर इसके ऊपर से अगर मार देता था छक्का, छक्का इसके ऊपर से मार देता था ये पेड़ का डाली पर से, तो हम लोग उसको डबल छक्का बोलते थे। ऐसा मतलब मानते नहीं थे, लेकिन डबल छक्का मतलब भाई सबसे हैवी छक्का बोलते थे। तो बहुत दिनों से ये तीनों पेड़ बरगद का यहाँ